अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और ढेरों खुशियां दे। तो प्लीज़ हमारे लिए भी दुआ किया करें। तो आज मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर, तो सोचा ये थोड़ा सा आप सबके लिए व्लॉग भी बना लूँ। तो अभी हम आए हैं और वो दुकान पर गई थी और वो तो ले आई हमारे लिए, तो अभी हमने पी नहीं है। तो अभी वो अंदर है क्योंकि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, इसलिए हम अभी यहाँ पर बैठ कर इन्वेट करेंगे। दूसरा गिलास मेरे कैमरे मैन के लिए, मैंने दो गिलास नहीं पीने उसको दो। मेरा दिल काफी चाह रहा था कि मैं इनसे मिलूं, तो अभी हम आए और देखते हैं अब ये क्या करने लगी है, क्या करने लगी पता नहीं मुझे खुद भी। सब वो कह रही हांडी रोटी बनाने लगी हूँ। चलो आज मैं आपको बना के देती हूँ, ठीक है। मुझे तो कोक बहुत पसंद है। आप सब में से किसको पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बोतल मैंने पी ली है तो अब मुझे बोतल का गाना देना पड़ गया है। तो अभी तो मैं कुछ बनाने लगी हूँ। उसने कहा चलो आएगी हो तो देर होगी, मेरी थोड़ी हेल्प कराओ, तो उसके लिए मैं सालन बनाने लगी हूँ। अब सारी चीज़ें मुझे खुद ही उठा कर लानी पड़ेगी। बकाया तो हर चीज़ मैंने रख ली, घी वगैरह मसाले वाली डब्बी रख ली है। तो अभी मैं जा रही लकड़ियाँ उठाने। ये देखें ये कपास की छड़ियाँ हैं और ये जलाते हैं और इसके साथ बहुत ही आसान आग जलती है। और सबसे पहले मैं आग जलाऊंगी जल्दी जल्दी, सारा काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। काफी दिन हो गए मैंने आग भी नहीं जलाई, देखते मुझसे जलती भी है। ये वाली लकड़ी तो काफी सूखी है, जल जाएगी। बाटियां भी लगानी है साथ में। उसने बोला कि आप सालन बना दे मुझे और मैं आटा गूंद लूँ। अभी वो दूसरी साइड पे उधर बैठ कर आटा गूंद रही है। जल्दी गूंद लो, मैंने घर भी जाना है। आपने बोतल क्या पिला दी, अब मुझसे काम करवाना शुरू होगी। माचस, ऊपर से शाम भी हो गई है, मगरिब की अजानें आने वाली हैं, थोड़ा टाइम रह गया। शुक्र है अभी तो आग लग गई, उम्मीद तो है जल जाएगी। मगरिब की अजानें भी आ गई और अंधेरा भी हो रहा है, तो जल्दी जल्दी मैं कर लूं अपना काम। अभी मैं लहसुन और मिर्चें को अच्छी तरीके से ब्रीक करने लगी। तो अभी मैंने प्याज काटने हैं, जल्दी जल्दी प्याज काट कर ना ऊपर रख लूँ मसाला। ये तो हो ही नहीं रहा मुझसे, शुक्र हो गया। और ये कपास की जो छड़ियां होती है ना, इसकी आग भी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। और ये देख ले मैंने पातियां भी लगाई थी, वो भी खत्म होगी और छड़ियां भी।
अभी ये मेरी फ्रेंड गोभी लेकर अभी अभी आई है, तो साथ में जल्दी जल्दी गोभी को भी बनाना पड़ेगा। आंखों में इतना ज्यादा धुआं जा रहा है। अभी तो मैं सब्जी बना रही हूँ और आग देखो खत्म भी हो गई है, धुआं आ रहा है। पता नहीं मेरी फ्रेंड क्या निकाल रही है, अंदर से शोर हो रहा है। उसने अभी तक आटा नहीं गूंदा, देख लो मैंने इतने ज्यादा काम कर लिए। बहुत निकम्मी है, मैं तो समझती हूँ बस मैं निकम्मी है, तो उससे भी ज्यादा निकम्मी है। आम हो गई है, काफी टाइम हो गया है, तो इसलिए मुझे ना हर चीज मिक्स करनी पड़ेगी, मतलब हर चीज को डाल के ना जल्दी जल्दी आग पर रखना होगा। तड़का मैं नहीं लगा रही, पंजाबी स्टाइल है इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और बार बार तो ये एक आग ही खत्म हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि आग अब जलेगी। मुझे अब आग तेज हो गई है, फिर जो कि आग है एकदम तेज हो जाती है और एकदम बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला है कि हर चीज मैंने मिक्स कर दी है, तो अभी सालन नीचे उतार लेना खुद ही। तो मैं जाने लगी, वो कह रही नहीं अभी आपने जाना नहीं है, खा कर तो फिर जाना है, इसलिए अभी मैं भी रुक गई हूँ। चलो भी घर जाकर भी बनाना पड़ेगा। चलो मेरे हस्बैंड को गोभी बहुत पसंद है इसलिए मैं रुक गई हूँ। चलो यहाँ से खाना खा कर जाएंगे रात, और टाइम भी काफ़ी हो गया। और एक तो आँख ने मुझे बहुत सताया, बार बार ख़त्म हो जाती फिर जलानी पड़ती मुझे। पता नहीं मेरे दोस्त को पसंद भी आएगा या नहीं। ये देख ले सालन, बस 2 मिनट लगेंगे अब बन जाएगा। अभी मेरी फ्रेंड अभी तक आटा गूंद रही है, देख। तो अभी मैं आलू चेक कर रही हूँ। ये देखो जब हम छोटे होते थे ना, तो अपनी माओ को कहते थे कि हमें तीले के ऊपर आलू लगा कर दो। ये देखो मैंने निकाला और अब इसको मैं चेक करूँगी। नीचे गिर गया, काफ़ी गल गया। अब सालन तैयार ही होने लगा, बस 1 मिनट लगेगा। आलू तो बहुत ज़्यादा गल गया, नीचे गिर गया मेरा आलू। और ये देखे हमारा सालन भी तैयार हो गया और हमारी रोटी भी तैयार हो गई। अभी हम रोटी खाने लगे हैं तंदूर की। तो उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं भी पसंद आए तो कोई बात नहीं, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।